प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए नई नई रेसिपीज वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बूढ़ी भोज रेसिपीज। आज मैं चिकन दो प्याजा बनाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन डिश है। इसमें चिकन को ढेर सारे मसाले और दही के साथ तैयार किया जाता है और सब कुछ मिला के लाजवाब बनके तैयार होती है। इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैंने यहाँ पे लेग पीस चिकन लिया है, आप चाहे तो पूरा चिकन पीस ले सकते हो। लेग पीस का दोनों साइड चाकू से कट कर लेंगे। चिकन का दोनों साइड काट लिया है, इसके ऊपर डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट, लास्ट में डालेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस। सब कुछ चिकन के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसको आधा घंटे के लिए ढक के रख देंगे। आधा घंटे के बाद कढ़ाई पे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाल के अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद डालेंगे खड़ा मसाला। खड़ा मसाला में लिया है लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेजपत्ता और जीरा। इसको हल्का सा भून लेते हैं। भूनने के बाद डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए हल्का सा ब्राउन होने शुरू कर दिया है। अभी इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अदरक लहसुन को अच्छे से भूनेंगे जब तक न स्मेल चला जाए। अच्छे से भूनने के बाद डालेंगे टमाटर और स्वाद के अनुसार नमक। अच्छे से मिला के थोड़ा टाइम के लिए भून लेते हैं। तब तक हम मसाला का मिश्रण तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 टेबलस्पून दही लिया है। दही के ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। सब कुछ मसाले दही के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। आपको तीखा खाना कम पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर स्किप कर सकते हो। मिश्रण तैयार हो गया है। अभी इसमें डाल के मसाले को अच्छे से भून लेंगे। चिकन से बहुत सारी रेसिपी बनते हैं, तो चिकन का और भी रेसिपी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन को चेक करें। मसाला को अच्छे से भून लिया है। अभी इसमें चिकन के पीसेस डाल के अच्छे से मिलाकर 2 से 3 मिनट तक ढक के लो फ्लेम पे पकाएंगे। दो से तीन मिनट के बाद डालेंगे 1 कप पानी। दोबारा अच्छे से मिलाकर ढक के 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। ग्रेवी को जितना अच्छे से भूनेंगे खाने में उतना ही बढ़िया लगेगी। चिकन हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। अभी इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, टमाटर और प्याज। साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के 5 मिनट तक एकदम से धीमी आँच में पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलते हैं। चिकन दो प्याजा तैयार हो गया है। अभी इसमें चॉप्ट किया हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता डालने के बाद अच्छे से मिला लेते हैं। रोटी, पराठा और नान के साथ गर्मा गर्म इसको सर्व करें, खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।